इस साल आपका WBG 2024 में टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो है वो है 1.42 लाख, जो कि कई ज़्यादा एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है, क्या कट ऑफ हाई जाने वाला है? क्योंकि एक पर्टिकुलर सीट के लिए जो कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है, मतलब सपोज़ एक सीट के लिए हज़ारों बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है। लेकिन कट ऑफ क्या चेंज होता है ड्रास्टिकली आप अगर टॉप के जो कॉलेजेस का बात करो तो, ये डिस्कस कर रहे होंगे। बाकी पहली बार चैनल पर तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ऐसे कई से कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे टिल योर फाइनल एडमिशन। देखिए पहले बता दूं, आपका जो टोटल नंबर एप्लीकेंट से वो है 1.42 लाख, बट सारे स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे रहे होंगे, ठीक है। आपका एग्ज़ाम मोस्टली वो मान के चलिए आपका 1.1 to 1.2 लाख ही बच्चे दे रहे होंगे। एंड जो कॉम्पिटिशन है, सच बोला जाए कॉम्पिटिशन जो है वो 40K बच्चे ही बस सीरियस होते हैं कि हाँ जी मुझे चलो एग्ज़ाम देना, बाकी सब बच्चे या तो ड्रॉप लेते हैं या मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले लेते हैं, या नेक्स्ट ईयर मतलब मान के चलिए कोई और एग्ज़ाम देंगे तो कुछ और चीज़ करना है या कुछ और कोर्स करना है, बीटेक करना ही नहीं है। तो मेन जो मतलब फाइट है वो 40,000 के बच्चे में ही है। अभी 40,000 में से ऐसे बच्चे हैं जो प्रिपरेशन ही नहीं लिए WBG का, मतलब जस्ट 12th पास की एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो जो मेन फाइट है अगर सच बात बताया जाए तो टॉप 15K बच्चों में ही है, इसमें ही आने में को फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये जो बच्चे हैं ये देखो ये कांस्टेंट रहता है, ऐसा नहीं कि मतलब सारा ही फाइट यहाँ पर हो रहा है। तो आपको भले ही जो डेटा है 1.42 लाख दिख रहा है, जो वेबसाइट में बताया गया कि हाँ इतना नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर करने वाला है या जितना भी एप्लीकेंट है, बट जो रियल फाइट है 15,000 के अंदर में ही होने वाला है। एंड 15,000 के अंदर आपको रैंक लाना है, ज़्यादा नहीं, बस 45 के प्लस लाओ, आपका आराम से आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, बहुत इजीली आ जाएगा, ठीक है। अगर 45 प्लस लाते हो WBG 2024 में आउट ऑफ 200, यहाँ पर बच्चा क्या करता है, कई सारे नेगेटिव मार्क्स कर देता है, ठीक है, उसको रहना 45 नहीं आ रहा, 30 ही आ रहा है, तो और वो नेगेटिव मार्क्स कर देता है, तो क्या हो जाता है, वो 20 हो जाता है, तो ऐसे और बच्चे एलिमिनेट हो जाते हैं। सो आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हो WBG का तो मेक श्योर आपका जो मार्क्स है 45 प्लस आना चाहिए, देन ओनली आपका जो टॉप का जो आपका 7 अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस है वो मिलने के चांसेस है, जो टॉप के आपके जो 7 या 8 गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो मिलने के चांसेस है। अगर 45 से नीचे आ रहा है तो आपका जो प्रोबेबिलिटी वो कम होते जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि 45 से नीचे आएगा तो आपको नहीं मिलेगा, आपको जो चांसेस वो कम होते जाए। तो कट ऑफ लगभग वही रहने वाला है, ज़्यादा कुछ का अंदर नहीं होने वाला, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर बिल्कुल उसी तरह से एग्ज़ाम हो रहा है, भले हो सकता है काउंसलिंग में डिले हो जाए WBG का, तो मे बी आपका जो कट ऑफ है ज़्यादा हाई नहीं जाएगा अगर काउंसलिंग में डिले हो जाएगा तो, ठीक है, क्योंकि कई से स्टूडेंट शिफ्ट कर जाएंगे जो बाकी सब जो काउंसलिंग हो रहा है। कुछ यही बताना था, लास्ट का टाइम है, ज़्यादा सोचने की दरकार है नहीं, रिवीजन अच्छा से करो, प्रॉपरली करो और नेगेटिव मार्क्स मत करो। जो मॉक टेस्ट ज्वाइन नहीं हुए तो मॉक टेस्ट आज ही ज्वाइन करो, एंड प्रैक्टिस करो जितने भी WBG 2024 के एक्सपेक्टेड रिलेवेंट क्वेश्चन हैं हम लोग का जो टेस्ट सीरीज है वहाँ से।